कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बिलासपुर के अंदर से एक बच्चा जो है गायब हो जाता है, परिवार वालों का किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं आज उसी पापा के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। ये साथ में मम्मी है और पापा का आज कितने खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से सोशल मीडिया की जो ताकत है वो आप सभी ने देख ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज उस लड़के की जो खबर मिलती है कि वो हरनौली गांव में दिखाई दिया है, यहां पर पहुंचने पर हमें पता चला है। ये आप तस्वीरें में देख लीजिए किस तरीके से ये भाई जो है कल अपने घर से जो है चला जाता है और परिवार का काफी ज्यादा जो है बुरा हाल हो गया था। तमाम रिश्तेदार जो है यहां पर इकट्ठे हो चुके थे, तो आप सभी ने एक मुहिम चलाई, दबाकर जो है वीडियो को शेयर किया और आज नतीजा ये है कि ये भाई जो है अपने परिवार में सकुशल पहुंच चुका है। मेरी आप सभी से अपील है, अगर ऐसी वीडियो आपके सामने आती है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अभी परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पाजी, मैंने आपको बोला भी था कि कल जरूर मिल जाएगा, आज कितनी खुशी हो रही है, आपका बच्चा वापस आया, कहाँ से आया? बहुत खुशी है जी हमें भी, हमारा बच्चा वापस आ गया जी। अच्छा, कहाँ से पता चला, कैसे मिला आपको, कुछ बता सकते हैं क्या हुआ था? नहीं, मेरे को पास तो हरनौली से फोन आया जी, भी हमारे पास लड़का आ गया जी। अच्छा। मगर बेटा ठीक है, जैसे भी आया उसको रख लो। अच्छा, वहाँ पे रहता है, ठीक है, घर बिलासपुर रहता है, बिलासपुर ले आओ। अच्छा, तो आपको मिल गया बच्चा? आपका बच्चा मिल गया जी। तो बता रहा है कहाँ गया था, कैसे गुम हुआ? बस सर हमें इस सदमे में है क्या? नहीं, सदमे में नहीं जी, हमें यह है अभी बिचारे जी, हम भी घूम के आए जी, यह खुशी है भी हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ गया जी। हाँ, तो देख सकते हैं इसमें जो आप सुरजीत सिंह सरबजीत सिंह को मैं बधाई दूंगा इस चीज की भी, उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में इतना वो करके मेरे बच्चे को वापस लाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया। नहीं, हमारा तो देखो फर्ज है, हमने तो लोगों से अपील भी की थी कि इस बच्चे की वीडियो को दबाकर शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए औलाद सबकी होती है और जिसको ही दर्द होता है वही उसी को पता होता है। माता हमारे साथ है, उनसे भी जाना, क्या कहेंगे, आपका बच्चा दोबारा से वापस आ चुका है, कितनी खुशी हो रही है, गुम हो गए थे? बहुत खुशी है जी, मेरे कल तो सांस नहीं आ रहे थे, बिल्कुल घबरा आ गए थे। नहीं जी, तो भगवान का शुक्र। हाँ जी, भगवान का शुक्र है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारी जनता का शुक्रिया कीजिए। हाँ जी, जनता का। तो देख सकते हैं अभी हम इस महाशय से बात करेंगे। भाई साहब कहाँ चले गए थे, क्या कहेंगे, कहाँ घूमने चले गए थे? घूमने गया था, घूमने गए थे, और मम्मी पापा का नहीं फिक्र आया था आपको? चलो अब नहीं जाओगे ना कहीं पे, खुश हो ना, जब भी पाओ पापा को एक बार जब आके। तो देख सकते हैं कि परिवार अब जो है खुश नजर आ रहा है, तमाम जो लोग थे रिश्तेदार थे वो भी किस तरीके से परेशान हो चुके। तो लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही थी कि भाई सरनजीत इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि वो परिवार तक पहुंच सके, और आप सभी ऑडियंस का भी मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर किया और कहीं ना कहीं जैसे भी करके, चाहे वीडियो के माध्यम से पहुंचाया चाहे जैसे भी पहुंचाया, और मैं उन लड़कों का भी धन्यवाद करूंगा। किसी ने देखा था इसको यहाँ पे, कौन लेके आया था, कोई बताएंगे? अच्छा, इन्होंने देखा, कहाँ देखा था आपने इसको? जब मैं अपने कॉलेज से घर आ रहा था तब मुझे ये अपनी बस में मिला था। अच्छा, यमुनानगर से जैसे मैं अपने गांव में आया तब ये बस में मेरे साथ ही उतरा, फिर मैंने इसे देखा कि ये तो वही भैया अपना जो घूम गया था। तो आपके क्या लगते थे? मेरे बुआ का लड़का। तो खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोबारा से ये ना हो कि ये गली में घूम रहा और आप लोग इसको पकड़ कर फिर से परिवार में मिला दें, क्योंकि अब वापस आ चुका है। और आप सभी का, ऑडियंस का धन्यवाद, सोशल मीडिया की ताकत फिर से दिखाई दी है और ये दोबारा से जो है लड़का अपने परिवार में सकुशल पहुंच चुका है। चर 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।